फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एमएस वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल बार मूव करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफ वर्ड 2007 पे क्लिक करें। तो आज के लेसन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इंडेंट्स, अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंट्स ऑन अ पैराग्राफ यूजिंग इंडेंटेशन बटन्स ऑन द रूलर। तो आज के लेसन में हम इंडेंट देखेंगे, उनको समझेंगे और रूलर में रूलर स्केल पे या रूलर पे जो बटन्स हैं जिनकी मदद से हम इंडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ पे, तो वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेंट की कुछ टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लेफ्ट इंडेंट के लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ऑटोमेटिक कलर, और ये बुलेट्स नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं। तो लेफ्ट इंडेंट के लिए हम एक पैराग्राफ जनरेट करेंगे इज इक्वल टू रेंड फंक्शन के ज़रिए एक पैराग्राफ और दो सेंटेंसेस हों इसमें। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया है। अब हम इसे बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब हम इस जो पैराग्राफ में जनरेट किया है इस पे हम लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करेंगे। लास्ट लेसन में हमने पेज लेआउट से जाके पैराग्राफ ग्रुप को एक्सेस किया था और यहाँ से डायलॉग ये हमने तमाम चीज़ें ये इंडेंटेशन शॉर्टकट यूज़ करेंगे, बटन्स हैं इंडेंटेशन के जिनको हम स्लाइड करके लेफ्ट राइट स्लाइड करके इंडेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे जिस पे हम इंडेंटेशन अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट इंडेंट करना चाहते हैं। तो आप जाएंगे पर टॉप रूलर पर, आप देखेंगे यहाँ पर दो बटन्स अवेलेबल हैं, एक लेफ्ट साइड पर राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर ये जो बटन है ये थ्री टाइप्स की इंडेंट्स हमें शो कर रहा है। तो इसके कर्सर लेके जाएंगे तो आपको टूल टिप नज़र आएगा कि ये जो बटन है यहाँ इसके बॉटम आपको लेफ्ट इंडेंट करेगा। तो उसके बाद मिडिल में आप लेके जाएंगे तो हैंगिंग इंडेंट यहाँ से, फिर टॉप पे लेके जाएंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हाँ यहाँ से अप्लाई हो। तो दैट मीन्स इस एक बटन के अंदर ही थ्री टाइप्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट इंडेंट करेंगे, तो लेफ्ट इंडेंट पे अगेन हम इसके जाएंगे और इसके बॉटम में क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और राइट साइड पर ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ जो है पूरे लेफ्ट साइड से आगे की तरफ राइट हैंड साइड पर पुश हो गया है, यानी कुछ पेज जनरेटिंग लाइन पे क्लिक करके देखें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के तमाम लाइनें मार्जिन लाइन से टेक्स्ट तक कुछ जनरेट हुआ है, कुछ पेज जनरेट हुई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड टाइप की इंडेंट हम अप्लाई करना सीखेंगे और यहाँ पे एक जनरेट कर देते हैं, एक नया पैराग्राफ टाइप जनरेट करा देते हैं और सेकंड टाइप की इंडेंट होती है राइट इंडेंट। तो अगेन राइट इंडेंट के लिए पैराग्राफ यहाँ से जनरेट करा देते हैं रेंड फंक्शन के ज़रिए, इसमें एक पैराग्राफ दो लाइनें हों। तो आप देख सकते हैं हमने एक और पैराग्राफ बनाया है प्रैक्टिकल के लिए। अब इस पैराग्राफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग ज़रा हम कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर भी हम कर देते हैं पर्पल, यहाँ से इसे जस्टिफाई भी कर देते हैं ताकि क्लियरली हमें नज़र आए, यहाँ से इस पैराग्राफ को भी हम जस्टिफाई कर देते हैं। और अब इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम क्लिक करने के बाद जाएंगे
अगेन टॉप रोलर पे, टॉप पे जो रोलर है वहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट बटन पे, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे बटन है इसमें बॉटम से लेफ्ट इंडेंट होता है, मिडिल से हैंगिंग इंडेंट और टॉप से राइट इंडेंट वो फर्स्ट इंडेंट होता है। अब राइट इंडेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, तो हम राइट साइड पर आप देख सकते हैं एक बटन है रोलर के टॉप साइड टॉप राइट पे, तो उस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे लेफ्ट की तरफ। रोलर पे हम मार्जिन लाइन पे क्लिक करेंगे तो कि मार्जिन लाइन से अंदर की तरफ राइट साइड पर कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस जनरेट हो चुका है, तो इसे कहते हैं राइट इंडेंट, यानी स्पेस जो राइट साइड पर है पैराग्राफ के, तो राइट इंडेंट इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंडेंट होगा वो हम यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ पे ट्राई करते हैं, वो है राइट इंडेंट लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट के बाद इंडेंट फर्स्ट लाइन इंडेंट फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो इसके लिए भी हम एक पैराग्राफ जनरेट कर देते हैं। टू तो अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, और इस टेक्स्ट को भी हम ग्रीन करके जस्टिफाई करेंगे और जस्टिफाई करें। अब हम चाहते हैं जो पैराग्राफ जिसका हेडिंग हमने दिया है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करने के लिए हम उसी पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे जिस पर हम फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे जो टॉप पर टॉप रोलर के टॉप रोलर पर जो बटन से उन पे लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे बॉटम में लेफ्ट इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट है, और टॉप पे जाएंगे उस बटन पे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का टूल टिप नज़र आएगा, उधर क्लिक करें और ड्रैग करें राइट हैंड साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट का पैराग्राफ जो हमने बनाया था इसकी जो सिर्फ फर्स्ट लाइन है उसमें स्पेस जनरेट हो चुका है। अगर हम चेक करना चाहें तो ऊपर जाएं रूलर पे क्लिक करें तो मार्जिन लाइन नज़र आएगी, तो आप देख सकते हैं तमाम टेक्स्ट जो है इस पैराग्राफ का इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, यानी मार्जिन लाइन से, जो इस वाई फर्स्ट लाइन के और फर्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन से और टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस जनरेट हो चुका है, जिसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट फर्स्ट लाइन इंडेंट लेफ्ट राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट और हम हैंगिंग इंडेंट पे जाएंगे। हैंगिंग इंडेंट के लिए भी हम एक पैराग्राफ जनरेट कर देते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं, इस पैराग्राफ का कलर हम रेड कर देते हैं और जस्टिफाई करेंगे फुल। अब हम इस पैराग्राफ पे हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं बटन्स के ज़रिए, तो इस पैराग्राफ पे आप क्लिक करें, करने के बाद आप टॉप रोलर पे जो बटन है लेफ्ट साइड पे उस पे जाएंगे, उसके मिडिल में आप कर्सर लेके जाएंगे और आप देख सकते हैं कि टूल टिप एक्टिव हो गया है हैंगिंग इंडेंट का, तो उस पे क्लिक करें राइट साइड पे ड्रैग करें। देखते हैं कि हैंगिंग इंडेंट में इस पैराग्राफ पे हैंगिंग इंडेंट अप्लाई हो चुका है, और हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन जो है मार्जिन लाइन से स्टार्ट होती है एंड डिफ़ॉल्ट पोजीशन से, और उसका इंडेंट यानी ज़ीरो होता है, और इसके अलावा जो बाकी पैराग्राफ की बाकी लाइनें हैं उनमें स्पेस आता है, तो जिसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। और नेक्स्ट जाएंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट में हमारा रह जाता है इंडेंट बोथ साइड, तो ऑटोमेटिक करें इंडेंट बोथ साइड या बोथ साइड इंडेंट, इसके लिए भी हम पैराग्राफ जनरेट कर देते हैं इज इक्वल टू एंड, एक पैराग्राफ हो और दो सेंटेंसेस हों, इंडेंट
both साइड, तो अब इससे भी हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, इस पर भी टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसका कवर जो है ब्लू कर देते हैं, और इस पर हम कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे और फुल जस्टिफिकेशन कलर भी चेंज। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बहुत साइड पे कुछ स्पेस क्रिएट करें, यानी राइट इंडेंट जो कहलाएगा, तो पैराग्राफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इंडेंट बोथ साइड करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम जो टॉप रूलर पे बटन है उसके बॉटम पे जाएंगे, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे और राइट साइड पे सकते हैं, लेफ्ट साइड पे इंडेंट क्रिएट हो चुका है वो, उसके बाद हम टॉप पे जाएंगे और राइट साइड पे राइट इंडेंट इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है दोनों साइड से इस पर इंडेंट अप्लाई हो चुका है, जिसको इंडेंट बोथ साइड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के जो इंडेंट्स उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो बटन्स हैं उनके ज़रिए, और हमने देखा कि तमाम जो डिफरेंट काइंड्स हैं इंडेंट्स की, जो टाइप्स हैं उनको भी हमने समझने की कोशिश की। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें।